कहते हैं फर्ज सबसे ऊपर होता है, इसी कहावत को साबित भी कर दिया 23 वर्षीय आरक्षक सुधा तोमर ने, जो 650 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय करके महू में अपने फर्ज को पूरा करने पिता के साथ पहुंची। कोरोना वायरस जैसी महामारी से एक तरफ पूरी दुनिया लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में बैठी है, वहीं दूसरी ओर पुलिस अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रही है। महू थाने पर पदस्थ 23 वर्षीय आरक्षक सुधा तोमर, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है, 21 मार्च को अपनी बहन की सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने महू थाने से 5 दिन का अवकाश लेकर अपने पैतृक गांव अम्बाह जिला मुरैना गई थी। इस बीच लॉकडाउन हो गया, विभाग के आदेश के बाद से ही मुरैना के अम्बाह थाने में आमद देकर ड्यूटी करने लगी। लगभग 1.5 माह बाद पुलिस अधीक्षक का आदेश आया कि जिन कर्मचारियों का आना संभव हो वे अपने पदस्थ थाने में आकर ड्यूटी ज्वाइन करें। सुधा ने भी अपने फर्ज को निभाने के लिए महू में आने का निश्चय किया। साधन के अभाव में सुधा ने ये सफर अपनी स्कूटी से ही तय करने की ठानी, जिसमें उनका साथ उनके पिता ने भी दिया और अगले ही दिन सुबह 4 बजे अपने पिता के साथ 650 किलोमीटर का सफर शुरू किया। रास्ते में सिर्फ पानी और घर से लाए खाने के अलावा लगातार 16 घंटे सफर तय कर रात 8 बजे सुधा ने महू थाने में अपनी आमद दे दी। वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने अपने फर्ज व ड्यूटी के लिए किए गए सफर की प्रशंसा भी की। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। मैं अम्बाह से आ रही हूँ, जो कि मुरैना जिले में। अच्छा, कितने किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 650 किलोमीटर है। कितने घंटे लगे आने में आपको? 16 घंटे लगे। हम लोग सुबह 4 बजे से चले थे। अच्छा। और रात को 8 बजे। अच्छा, तो आप यहाँ महू में ही पदस्थ हैं? हाँ, मैं महू थाने पे पदस्थ हूँ, कोतवाली। अच्छा, किस पद पे हैं आप? मैं कांस्टेबल हूँ। अच्छा, तो आप अम्बा गए थे यहाँ से, क्यों गए थे और वापस आने का क्या रीजन रहा? एक्चुअली मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी, मेरे दाऊदी की लड़की की, तो 5 दिन की छुट्टी में गई थी। यही सबसे पूछ। अच्छा, उसके बाद में 21 को मैं यहाँ से गई थी जी। फिर उसके जस्ट बाद 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया जी। तो मैं आ नहीं पाई। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा आदेश आया कि आप जहाँ पे हो वहीं पे पोस्टेड हो जाओ जी। तो फिर मैंने पूछा टीआई सर को कॉल करके कि सर मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? तो टीआई सर ने बोला ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप वहीं पे आमद दे दो अब। तो फिर मैंने वहीं पे आमद दे दी। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे टीआई सर का कॉल गया कि बल की कमी है, अगर आप आ सको तो आ जाओ। और फिर एसपी सर के भी आदेश आ गए कि जो अगर आ सकता है पर्सन वो आ सकता है। और हमारे थाने पे भी बल्कि बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही थी, क्योंकि 3 शिफ्टों में काम हो रहा था, थाने पे 2 शिफ्टों में ही करना पड़ रहा था उन लोगों को मेरी वजह से जी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, चलते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन उन लोगों को सहूलियत हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। आपका नाम बता दें? मेरा नाम सुधा तोमर। मेरे पिताजी भी फर्ज के लिए लड़े, 40 साल सर्विस की उन्होंने। अच्छा। मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ 15 साल से, तो अभी जो है सिविल में। तो बच्ची का जब मेरे को लगा कि इसको जॉब की ज़रूरत थी, तो ये जॉब कर रही थी, तो मऊ में थाने पे ज़रूरत थी इसकी, ऑपरेटर में है ये। तो ऑपरेटर में बोल रही थी कि मेरे जो साथी है वो परेशान हो रहे हैं, तो मुझे जाना है। तो मैं बोला बिल्कुल सही है तेरा विचार, लेकिन अकेला नहीं है, मैं साथ में चलूँगा छोड़ने के लिए। तो इसलिए उसके साथ में छोड़ने के लिए मऊ थाने तक मैं आया। Subscribe now to most exciting channel ever.